ग्रह प्रवेश किया, सभी राजाओं को निमंत्रण देते हैं। यज्ञ किया, ग्रह प्रवेश किया, सभी राजाओं को निमंत्रण दिया। कौर और पांडवों में बंटवारा तो हो गया था, लेकिन पांडव ने निमंत्रण दुर्योधन को भी दिया। और जब दुर्योधन ने निमंत्रण पाया, निमंत्रण को पाकर के दुर्योधन चल देता है। जिस समय दुर्योधन जा रहा था, पहुंच गया, और जब पहुंच गया तो जब दुर्योधन की नजर उस महल पर पड़ी तो दुर्योधन को ऐसा लगा कि यह महल मैंने पहली बार देखा है। तो पांडव से बोले, भैया धर्मराज, ये तुम्हारी आज्ञा हो तो हम तुम्हारे महल को देखाऊं। तो भैया धर्मराज कहने लगे, तुमको किसने मना किया, चले जाओ महल देखने के लिए। दुर्योधन महल देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन देखिए मेरे भैया, उस महल के अंदर विचित्रता क्या थी। दूर से दिखाई दिया कि सामने जल भरा हुआ है। दुर्योधन विचार करते हैं कि हम नए नए कपड़े पहन करके आए हैं, धोती को बांध करके आए, यदि मेरा पैर इस जल में फिसल गया तो मेरी सारी धोती भीग जाएगी। दुर्योधन ने पैर बढ़ाया, और जब दुर्योधन ने पैर बढ़ाया तो दुर्योधन का पैर जल के बजाय थल पर गिरा, फर्श पर गिरा। दुर्योधन विचार करने लगे, हमें दूर से दिखाई दे रहा था कि जल भरा हुआ है, यहाँ तो जल के बजाय फर्श है, थल है। अब आगे देखा कि यानी फर्श है, जब आगे नजर बढ़ाई तो देखा फर्श है। अब जब निश्चिंत होकर के पैर बढ़ाया तो पैर थल के बजाय जल पर गिरा, जल पर गिरा है दुर्योधन का पैर। दुर्योधन फिसल गया, फर्श के ऊपर जल हो पैर फिसल जाएगा। दुर्योधन फिसल गया, सारे कपड़े भीग गए। द्रौपदी बाले खानी खिड़की पर बैठी थी, खिड़की पर बैठी थी, सखियों के साथ में हंसने लगी और कहती है, बहना तुमने कुछ देखा नहीं क्या, जिसमें दुर्योधन को गिरते हुए देखा है। तो द्रौपदी हंसने लगी, भैया कि भगवान श्याम के इस जग में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। दुर्योधन को गाली नहीं लगी, दुर्योधन के जाकर के पिता को गाली लगी कि अंधे के अंधे ही होते हैं, इन्हें दिखाई नहीं दिया, जल पर पैर फिसल गया, गिर पड़े। और कभी कभी ऐसा होता है मेरे भैया, ध्यान देंगे कि गोली से ज्यादा बोली लग जाती है, गोली से ज्यादा बोली लग जाती है। द्रौपदी ने जिस समय हंसा तो दुर्योधन कहने लगा, जाओ द्रौपदी, तुमने अंधे का अंधा कहा, लेकिन मेरा जब समय आएगा कि दांत पीस के बोल उठा, एक दिन वो ऐसा आएगा, सब रंग भंग हुई जाएगा, ये हंसना तुम्हें रुलाए देगा। हंसने का बदला ले लेना, आठो पहर है काम मेरा, अरे सभा में नंग हना कर दे तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। हर भोलेनाथ भगौर धर्म ध्वजा लहरा,
धर्म की हो वे पर मत छोड़ो कैलाश अब तो विजय सत्य की अब तो विजय सत्य की हो वे पर्वत छोड़ो कैलाशी इतना कह करके मेरे भैया दुर्योधन वहां से चला और जब दुर्योधन वहां से चला आया मामा शकुनी के पास पहुंचा है मामा मुझे द्रौपदी अंधे का अंधा कहा है मुझे द्रौपदी अंधे का अंधा कहा है कि यज्ञ पूर्ण हुई गई गुरुपति महलन जब आयो मामा के ढिंग जाए कहीं समझाई भर गयो ही यो मामा मेरे जीत के मरण अब हुई अपमान रे बहुत मेरे मामा की द्रौपदी सुता अपमान रे बहुत मेरे मामा की इतना कह करके दुर्योधन कहता है मामा मुझे द्रौपदी अंधे का अंधा कहा है मुझे बदला दिलवा दो हमको नहीं बल्कि हमारे पिता को गाली दिया है कि अंधे के अंधे ही होते हैं। मामा शकुनी के पास गया और कहने लगा मामा कि अरे मामा कोई अकल बताए दे बदलो पगली से दिलवाए दे पांडो हसनापुर बुलवाए दे मुझे अंधा कहने का बदला दिलवा दो मामा शकुनी कहने लगे जब तक ये तेरा मामा जिंदा है इस भांजे पर कोई आंच नहीं आने देगा जाओ जो पांडव हैं पांडवों को बहुत बड़ा जुआ का शौक है शौकीन है जुआ के पांडवों को हस्तिनापुर ही बुला करके जुआ में सारा राजपाट छीन लिया जाए यानी सारा राजपाट छीन लिया जाएगा कपट की चाल रच करके स्वांग रच करके पांडवों को मेरे भैया हस्तिनापुरी बुलाया गया और जब पांडवों को हस्तिनापुरी बुलाया गया है तो पांडव के साथ में द्रौपदी आई हुई है इधर पांडव दरवाजे पर ठहर गए द्रौपदी महलों के अंदर चली गई द्रौपदी जब महलों के अंदर चली गई शाम होने वाली थी पांडव विचार करते हैं द्रौपदी चलो चला जाए तो दुर्योधन बोल उठे भैया आज रुक जाओ कल चले जाना आज ठहर जाओ भीम विचार करने लगे ठीक है कोई बात नहीं आज चलो रुक जाया जाए सुबह चलेंगे रुक गए और जब रात का समय हुआ मेरे भैया तो वहां तो कपट की चाल रची हुई थी तो दुर्योधन बोल उठे भैया समय नहीं कट रहा है चलो कोई खेल हो जाए समय नहीं कट रहा है रात का चलो कोई खेल हो जाए तो पांडव बोले खेल कौन सा होगा दुर्योधन कहने लगे चलो जुआ हो जाए भीम कहने लगे जुआ नहीं होगा दुर्योधन कहने लगे सच चल नहीं चलो झूठल हो